जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योति व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ। मीन्स ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि मेष राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर मेष राशि का राशि के अनुसार आर्थिक भविष्य, अर्थव्यवस्था 2022 की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ध्यान रहे कि वार्षिक राशि भविष्य है यह, और इसमें हम वार्षिक राशि फल यानी कि ईयरली होरोस्कोप अंग्रेजी में बोले तो इस 2022 गुड फॉर एरीज फाइनेंस, और इस 2022 गोइंग टू बी ए गुड ईयर फॉर एरीज फाइनेंस, और इसकी पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ें। इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित है। यदि आप लग्न के माध्यम से इसे देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक होंगे। बाकी लग्न का पता ना होने पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपने लग्न की जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए आप हमारी एक वेबसाइट है astrosage.com, काफ़ी फेमस है, उसके पैनल पर भी हमें वहां जाकर के अपने लग्न का पता कर सकते हैं। अगर ना पता चल पाए तो अपनी राशि के अनुसार या नाम राशि के अनुसार भी आप अपने भविष्य की टोह ले सकते हैं। मेष राशि 2022 मनी होरोस्कोप या मेष राशि फाइनेंस 2022 होरोस्कोप को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मेष राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष प्रमुख ग्रहों के गोचर कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं गोचरों के आधार पर ही हम मेष राशि 2022 फाइनेंस यानी कि आपके फाइनेंस संबंधी परिणामों का भविष्यफल या भविष्य कथन करने वाले हैं। साल 2022 में मेष राशि वालों का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, यानी एरीज फाइनेंस होरोस्कोप 2022 या एरीज मनी होरोस्कोप 2022 के बारे में जानने के लिए हम इनके लाभ भाव की पड़ताल करेंगे। लाभ भाव के स्वामी के बारे में जानेंगे कि क्या रहने वाला है उसकी इस साल का पोजीशन, यानी कि शनि के गोचर को देखेंगे, धन भाव के स्वामी शुक्र के गोचर को देखेंगे, बृहस्पति के गोचर का विशेष अवलोकन करेंगे। बाकी राहु केतु जैसे अन्य ग्रहों का गोचर तो विचारणीय रहेगा। इन ग्रहों के गोचर का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि लाभ भाव का स्वामी ज़्यादातर शनिदेव हैं, लाभ भाव के स्वामी तो शनिदेव ज़्यादातर दिनों में कर्म स्थान पर रहने वाले हैं, जो कर्म करने पर धन दिलाते रहेंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है, ऐसी उम्मीद है। वहीं 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 के बीच शनिदेव लाभ भाव में भी जाएंगे। यहां से भी शनि ग्रह लाभ दिलाने का संकेत कर रहे हैं, यानी कि सामान्य तौर पर शनि का गोचर अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन 5 जून 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 के बीच शनि ग्रह वक्री रहेंगे। साथ में 24 जनवरी 2022 से 27 फरवरी 2022 के बीच 34 दिनों के लिए शनिदेव अस्त भी रहेंगे, अर्थात 141 दिनों के लिए शनि वक्री रहेंगे और 34 दिनों के लिए अस्त रहेंगे। यह समय आर्थिक मामलों में धीमापन दे सकता है। ध्यान रहे कि इस समय को मैं खराब नहीं कह रहा हूं, बल्कि सिर्फ यह कह रहा हूं कि लाभ के मामलों में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। यानी यहां से जो आमदनी होने वाली थी वह होगी ही होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा विलंब लग सकता है। इस बात को यूं समझिए आप कि जैसे किसी ने कहा कि मैं आपको इसी महीने पैसे दे सकता हूं या देने वाला हूं, देता हूं, लेकिन हो सकता है कि वह इस महीने न देकर अगले महीने दे पाए, उसके साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाए कि वह अगले महीने दे पाए। यानी शनि का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल है, लेकिन बीच बीच में कभी कभार कुछ धीमापन दे सकता है। बृहस्पति ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बृहस्पति ग्रह 13 अप्रैल 2022 तक आपके लाभ भाव में बना रहेगा, जो आपको लाभ दिलाने का प्रॉमिज कर रहा है, यानी यह टाइम ड्यूरेशन भी आपको लाभ पहुंचाएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। 13 अप्रैल 2022 के बाद साल के बाकी दिनों में बृहस्पति का गोचर आपके 12वें भाव में चला जाएगा। यह कुछ मामलों में कमजोर तो कुछ मामलों में अच्छी स्थिति कही जाए। कमजोर स्थिति लाभ के मामले में हो सकती है। जो निरंतरता का प्रॉमिज गुरु कर रहा था वह उस मामले में अब हस्तक्षेप शायद न कर पाए। ध्यान रहे, मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि बृहस्पति लाभ दिलाना बंद कर देगा। पहले उसकी जिम्मेदारी थी लाभ भाव में रहकर लाभ दिलाने की, इसके बाद वह जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। अन्य ग्रह हैं जो प्रभार में रहेंगे, दूसरे ग्रह और आपकी दशाएं इंचार्ज रह सकती हैं। तो 13 अप्रैल 2022 की बात का हम उल्लेख कर रहे थे। 13 अप्रैल 2022 के बाद बृहस्पति
छठे भाव को देखेगा, ऐसे में लोन इत्यादि से जुड़े व्यक्तियों को लाभ मिलता रहेगा। यानी पैसे उधार लेने देने वाले मामलों में बृहस्पति अनुकूलता देगा। यदि आप बैंक से लोन लेने की कोशिश में हैं तो वहां से आपको धन मिल जाएगा। यानी यह कुछ मामले हैं जो सकारात्मक रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति खर्च के भाव में अपनी ही राशि में रहने के कारण जो खर्चे होंगे, क्योंकि खर्चे होंगे ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन वो सार्थक खर्चे होंगे, फायदेमंद रहेंगे। इस बात को आप यूं समझिए कि आप जो खर्चे करेंगे वह निवेश के रूप में करेंगे और भविष्य में उनसे आपको फायदा मिलेगा। 12 अप्रैल 2022 तक राहु आपके धन भाव पर प्रभावी रहेंगे। इसके बाद वह धन भाव से हट जाएंगे। यानी धन संचय में भी 12 अप्रैल के बाद का समय आपकी मदद करेगा। धन भाव के स्वामी शुक्र की बात की जाए तो शुक्र का गोचर साल में दो बार ही थोड़ा सा कमजोर माना जाएगा, बाकी समय नहीं, सिर्फ दो बार। दो ड्यूरेशन हैं। पहला ड्यूरेशन कब है? पहला ड्यूरेशन 24 सितंबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 के बीच का है। इस बीच में धन भाव का स्वामी शुक्र नीच का रहेगा, जो संचित धन को खर्च करवा सकता है या संचित धन कहीं लग सकता है, जा सकता है, अथवा धन संचय में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। अतः 24 सितंबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 के बीच में धन को लेकर थोड़ा सा जागरूक रहना जरूरी रहेगा या जागरूक दिखने की जरूरत रहेगी। दूसरा ड्यूरेशन कब है? 11 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 के बीच शुक्र वृश्चिक राशि में रहेगा। हालांकि आठवें भाव में शुक्र का गोचर कमजोर कहा जाता है, लेकिन वहां बैठ करके, यानी कि आठवें भाव में बैठ करके शुक्र धन भाव को देखेगा और आर्थिक मामले में मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा। यहां से भी मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर बात करें इन सभी ग्रहों के मिले जुले प्रभाव की, तो मुझे साल 2022 में आपके आर्थिक मामलों में कोई विशेष दिक्कत नजर नहीं आ रही है। ज्यादातर समय आपको अनुकूलता देता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। विशेषकर जो लोग लोन लेकर कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो साल 2022 उनकी अच्छी खासी मदद कर सकता है। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमजोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें और अपने धन, अपने फाइनेंस या अपनी मनी को बेहतर करें। आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि साल 2022 में मेष राशि वाले लोगों को फाइनेंस या मनी या आर्थिक भविष्य में कोई व्यवधान आए तो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके। फाइनेंस या मनी अर्थात आर्थिक पक्ष को साल 2022 में बेहतरी के लिए आपको चांदी की गोली, ठोस गोली अपनी जेब में रखनी चाहिए। माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाना चाहिए। मंदिर में पीले रंग का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं हो रहा है, बहुत संभव है कि होगा ही होगा, लेकिन अगर ना हो तो अपनी दशाएं जरूर चेक कराएं। दशाएं आपकी प्रतिकूल हो सकती हैं और अपनी विधिवत कुंडली दिखा करके, अपनी दशाओं व अंतरदशाओं की अनुकूलता प्रतिकूलता जान करके, उनका उपाय करके आप बेहतर आर्थिक समृद्धि का मार्ग ढूंढ सकेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करवाएं। यदि आपकी इच्छा मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने की है तो आप स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले करके हमसे भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे ही सलाह लें, आप कहीं से भी सलाह ले सकते हैं। आप बस सुखी रहें, आनंदित रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे, अपने धन, फाइनेंस या मनी का बेहतर व्यवस्थापन कर पाएंगे आप, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। माता लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।